Let's go across now to where Aam Aadmi Party is holding a press conference. Arvind Kejriwal announcing a fresh list. सरकार को गैस देनी थी, लेकिन बाद में समय समय पर गलत तरीके से सरकार पे दबाव डालकर श्री मुकेश अंबानी ने गैस के दाम $4 प्रति यूनिट से भी ज्यादा करवा लिए। आरोप है कि इन कुओं से गैस निकालने का खर्च मात्र $1 प्रति यूनिट से भी कम आता है। इसका मतलब केंद्र सरकार मुकेश अंबानी जी को $1 से भी कम की चीज के $4 दे रही है। हद तो तब हो गई जब केंद्र सरकार ने आदेश पारित कर दिए कि 1 अप्रैल 2014 से श्री मुकेश अंबानी को $8 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि श्री मुकेश अंबानी को इससे सालाना 54,000 करोड़ रुपए का नाजायज फायदा होगा। पूरे दिल्ली राज्य का सालाना बजट 40,000 करोड़ होता है, यानी कि सरकार मुकेश अंबानी जी को पूरी दिल्ली के बजट से भी ज्यादा का नाजायज फायदा दे रही है, और यह सारा पैसा हम लोगों की जेब से जाएगा। आखिर क्यों? 1 अप्रैल से देश में त्राही त्राही मचने वाली है। सीएनजी के रेट बहुत बढ़ जाएंगे, पूरे देश के अंदर यातायात महंगा हो जाएगा। इसी गैस से देश में बिजली का उत्पादन होता है, बिजली भी बहुत महंगी हो जाएगी। इसी गैस से खाद बनती है, खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। आप समझ सकते हैं कि देश में कितनी ज्यादा महंगाई हो जाएगी। आप और राहुल गांधी जी अभी तक इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? क्योंकि आप तो स्वयं प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार हैं। इस देश का आम आदमी आपसे जानना चाहता है कि यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या आप श्री मुकेश अंबानी जी को $8 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे या $4 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे? जब आम आदमी पार्टी सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने इस मामले में श्री मुकेश अंबानी जी के खिलाफ FIR दर्ज की तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं ने इसका घोर विरोध किया। क्या दोनों पार्टियों के मुकेश अंबानी जी के साथ इतने घनिष्ठ संबंध हैं? श्री परिमल नाथवानी मुकेश अंबानी की कंपनियों के ग्रुप प्रेसिडेंट हैं। आपकी मदद से वो अभी राज्यसभा के सदस्य बने हैं। इससे लोगों के मन में शक पैदा होता है कि आखिर आपकी और आपकी पार्टी के श्री मुकेश अंबानी जी के साथ क्या रिश्ते हैं। आप और राहुल गांधी जी दोनों देश विदेश में घूमने के लिए निजी हेलीकॉप्टर और निजी हवाई जहाजों का इस्तेमाल करते हैं। ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज किसके हैं? अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक आप खुलेआम श्री मुकेश अंबानी जी के जहाजों में घूमते हैं। लोग कहते हैं श्री राहुल गांधी जी भी उनके जहाज का इस्तेमाल करते हैं। वो जहाज आपको फ्री में मिलते हैं या आपको उनका किराया देना पड़ता है? जनता में चर्चा है कि आपकी एक एक रैली पर कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं, ये सारा पैसा किसका है? कुछ लोगों का कहना है कि श्री मुकेश अंबानी आपको फंड कर रहे हैं, क्या ये सच है? नीरा राडिया टेपो में ये निकल के आया कि श्री मुकेश अंबानी जी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि कांग्रेस तो मुकेश अंबानी जी की दुकान है। लोगों का कहना है कि सरकार केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों की पोस्टिंग भी श्री मुकेश अंबानी की मर्जी के मुताबिक करती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि वास्तव में UPA की सरकार मुकेश अंबानी चला रहे हैं। यदि आपके पीछे भी श्री मुकेश अंबानी है तो लोगों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अगर किसी तरह आप प्रधानमंत्री बन भी गए तो इसका मतलब क्या आपकी सरकार भी मुकेश अंबानी जी चलाएंगे? फिर तो आप अपने भाषणों में कहते हैं कि आप स्विस बैंकों में जमा पैसा वापस भारत लाएंगे, पर अंबानी बंधुओं के तो खुद के भी देशों में नाजायज बैंक अकाउंट है। उन बैंक अकाउंट के नंबर हैं 5090160983 और दूसरे अकाउंट का नंबर है 5090160984। यदि आपके मुकेश अंबानी जी के साथ इतने अच्छे संबंध हैं और यदि मुकेश अंबानी जी आपको फंड कर रहे हैं तो आप विदेशों में जमा काला पैसा कैसे भारत वापस लाएंगे? इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ें और देश की जनता को निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दें। नंबर 1, यदि आपकी सरकार बनती है तो आप श्री मुकेश अंबानी जी को $4 पर यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे या $8 पर यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे? नंबर 2, श्री मुकेश अंबानी जी के साथ आपके और आपकी पार्टी के क्या संबंध हैं? नंबर 3, आपके चुनाव प्रचार पर कितना पैसा खर्च हो रहा है और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि इस पत्र में जनता से संबंधित अहम मुद्दे उठाए गए हैं, इसलिए मैं इस पत्र को सार्वजनिक कर रहा हूँ। आप चाहे मुझे सीधे इस पत्र का जवाब ना दें, लेकिन यदि आप इन मुद्दों पर अपने विचार सार्वजनिक रूप से बयान करेंगे तो लोगों के मन के शक दूर हो जाएंगे। ये चिट्ठी हमने आज नरेंद्र मोदी जी को भेजी है, लिखी है, और इस चिट्ठी की 10 करोड़ कॉपीज हम बनवा के पूरे देश में अलग अलग भाषाओं में गाँव में घर घर में बांटेंगे। और इसी किस्म की चिट्ठी राहुल गांधी जी को भी लिख रहे हैं, और उनको राहुल गांधी जी को चिट्ठी हम कल लिखेंगे और कल उस चिट्ठी की कॉपी
हम आप लोगों को दे देंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो दोनों की 10-10 करोड़ एक साथ ही चपवा देंगे जी, इतने पैसे कहाँ हैं? हाँ 10 करोड़ लगेंगे। हाँ वो कल उनको भेज देंगे, आज उनको क्वाइट अ लॉट इज सेम बट थोड़े से स्पेसिफिक्स अलग अलग हैं। जैसे उनमें राहुल गांधी जी की चिट्ठी में हम उनको लिखेंगे भाई हालांकि डिसीजन आपकी सरकार ने लिया और सारी दुनिया जानती है कि ये सरकार आपके परिवार से बिना पूछे कुछ नहीं करती, लेकिन फिर आप अपने मुंह से कुछ बोलें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं लोग कि आप इसका समर्थन करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम है। बिल्कुल हो रही है सर, राजनीति गैस के दाम पे होनी चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं होनी चाहिए। राजनीति के डिस्कोर्स बदलना चाहते हैं, राजनीति महंगाई पे होनी चाहिए, राजनीति बलात्कार क्यों हो रहे हैं देश में इस पे होनी चाहिए, राजनीति लॉ एंड ऑर्डर पे होनी चाहिए, राजनीति धर्म की और जाति की नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो रंगनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि जो गैस की प्राइसिंग हो डिमांड सप्लाई के अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट रेट है उसको भी कंसीडर किया जाए, एक फॉरेन कंपनी जो हमें एक तिहाई वो $10 से $18 के रेट में हमारे देश खरीदता है, तो आप ये चाहेंगे कि फॉरेन कंपनी हम $16 से $18 में खरीदे और हमारी अपनी देश की कंपनी को वो $8 ना मिले ताकि हमारा। सर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, मेरा खेत था, मैं खेत का मालिक था, मैंने किसी को रखा, मैंने कहा भाई खेती कर दिया कर और मेरे से तू जितनी तेरी मेहनत होती है उतने पैसे ले लिया कर, थोड़े दिन में वो बोला जी ये जितनी खेती हुई है तो मेरी है, मैं आपको मार्केट इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के हिसाब से दूंगा ये आलू के दाम। क्यों भाई, ये कुएं तो मेरे थे, तेल तो मेरा था, इस देश की जनता का था, अब वो कह रहे मामर $1 से कम भी अगर प्राइस आ रहा है उसका तो $1.25 ले लो, $1.50 ले लो, $2 ले लो, लूटोगे क्या इस देश को, लूटोगे क्या, क्यों हम उससे दे, हमारे कुएं हैं, फिर सरकार वापस ले ले इनसे कुएं, खुद कर लेते हैं। कोई ऐसी कंपनियां भी बहुत हैं इस देश के अंदर, कंपनियां कमी थोड़ी है कंपनियों की, जो ईमानदारी से कमाएंगी, ईमानदार प्रॉफिट कमाएंगी और ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगी, $1 की चीज के $8 और बड़े बड़े लॉजिक, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हमको तो समझ नहीं आती थी छोटी बड़ी बात। एक फायदा ओएनजीसी को भी हो रहा है, 75% जो है वो हिस्सा ओएनजीसी का है, अब सिर्फ अंबानी पर हमला कर रहे हैं। सर $1 की चीज के $8 तो नहीं मिलने चाहिए, $1.25 ले लो, $1.50 तो ओएनजीसी है उसको भी क्यों फायदा दे रहे हो? कह रहे हो सर भ्रमित कर रहे हैं, सरकारी कंपनी ओएनजीसी में इन्वॉल्व है जिसका 75% उसमें हिस्सा है। अगर मैं यही तो कह रहा हूँ सर, फिर उनको भी क्यों दे रहे हो, जनता तो पिस रही है, जनता तो क्या, तो पूरा पिक्चर क्यों नहीं पेश कर रहे हैं, सिर्फ अंबानी पर हमला कर रहे हैं। ये निर्णय ओएनजीसी के लिए नहीं लिया गया, ये निर्णय अंबानी के लिए लिया गया, अगर ओएनजीसी होती तो ये कोई निर्णय नहीं लेने वाला था, ये उनको खुश करने के लिए लिया गया। आप समझने की कोशिश, आप राजनीति समझिए सर, सर हमें लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर इस तरह से हम लोग गलत तरीके से उनको छोड़ना चालू कर देंगे तो एक गलत मैसेज जाता है। सर सर आपने कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, हम जानना चाहते हैं आप लोगों को इतनी क्या जल्दी है विधानसभा भंग करने की? सर आपको नहीं लगता चुनाव, एक चीज बताओ, बीजेपी कह रही है हमें सरकार नहीं बनानी, कांग्रेस बना नहीं सकती, आम आदमी पार्टी कह रही है हमें सरकार नहीं बनानी, तो सस्पेंडेड अनिवेशन का मतलब तो ये हुआ कि अभी बीजेपी खरीद फरोख्त करने से हिचक रही है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मोदी जी की सीट कम हो जाएंगी, लोकसभा चुनाव के बाद खुलेआम बाजार हो जाएगा, कांग्रेस को तोड़ेंगे, चार आदमी उधर से उधर ले लेंगे और फिर वो सरकार बनाएंगे, ये तो गलत बात है। वाई सस्पेंडेड अनिवेशन, डिसॉल्व द हाउस, चुनाव करवाओ तुरंत, लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हो ही रहे हैं उसके साथ, हमने तो कभी नहीं कहा था देने वाले हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने कहा, लेकिन अगर उन्होंने कहा तो गलत कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल नहीं लेंगे मुकेश अंबानी से चंदा, सवाल ही नहीं उठता, नहीं नहीं लेंगे एक पैसे का चंदा, किसी क्रोनी कैपिटलिस्ट चुनाव में
तक क्या आम आदमी पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि आप भी कहते हैं कि ग्रीन कैंडिडेट निकालेंगे आप लोग सारे के सारे, सर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रही है, चुन चुन के अपने कैंडिडेट्स।